इसलिए मुसलमानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। साइकिल पंचर बोल गया टायर बड़ाम। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आ रहे हैं। पक्का 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 एकदम सब जीत रहे हैं। योगी आ रहे हैं इस बार। पक्का योगी आएंगे। पक्का योगी आएंगे। हर समय योगी आएंगे। ये सुनामी है। सुनामी है। नहीं ललकार है। 2022 में फिर से मोदी सरकार है। अगली बार देखिए कौन सी बुआ आती है। अच्छा। पिछले बार में तो मायावती थी, अब की ममता थी। अगली बार बुआ खोजने गए। कीड़ा 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 खिलवो नाचे। यदि आपको सिर्फ इतना काम मेरा कर दीजिए, अगर कहीं पंचर का दुकान है तो उनको बता दीजिएगा। साइकिल भाष हो गई। कांग्रेस का सवाल है पर खत्म। जब कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस कांग्रेस खत्म। पप्पू गया इटली। नमः पार्वती पते हरे। इस बार क्या लग रहा है बीजेपी कितने सीट पार पे आएगी? 300+। पक्का पक्का। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव और ये लोग जो हैं, ये लोग तो बहुत दावा कर रहे हैं कि सर वो आएंगे। कहीं नहीं कहीं टक्कर में ही नहीं है। अच्छा दूर दूर तक कहीं नहीं। केवल हवा 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 है। कहीं भी जमीन पर कहीं नहीं है। अरे नारे लगा दीजिए। दिलों में केवल कमल है। हर 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 महादेव। क्या क्या महिलाएं खुश है? क्या महिलाएं खुश है बीजेपी के कार्य से? बहुत ज्यादा। एक दो कार्य बताइए। अरे सड़कें बर्बाद ही, सबको राशन दे रहे हैं, सबका बैंक में खाता खुलवा दिया है, सबको वहाँ पे पैसा आ रहा है। अच्छा। बिचौलियों का काम खत्म हो गया। अच्छा। मतलब जितने भी बीच वाले थे सबको हटा दिया मीडिया होकर। हाँ हाँ। मोदी मोदी। क्यों रीजन क्या है? ये रीजन है, आप देखिए काम देखिए, कोई नहीं कुछ कर सकता मोदी होने योगी। आंटी आप क्या महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या क्या काम किया? 2-3 बताइए। कुछ किया है। आज हम लोग जो आजादी से घूम रहे हैं वो सब उन्हीं की दया है, और किसकी दया है? ये सपा में ये सब चीजें नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल वहाँ पे रेप ये सब चीजें, वहाँ नारियों को दब के रहना पड़ता था। आज मोदी ने जो नारी सशक्तिकरण किया है वो हम लोग को सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उनका जो मोदी है तो घर घर मोदी, विकास हर हर मोदी। तो बीजेपी वाले लग रहे हैं। अरे दिख नहीं रहा, ये देखिए क्या खून में भगवा रंग है हमारे, खून लाल। मोदी वाले हैं, भले ही हम मोदी भगवा गाना पहने, उनका जैकेट टाइप का पहने। अच्छा अच्छा, ये आप लोग क्या पहली बार इस ऐसे शो में आ जाए? लाइव देख रहे हैं, किसके पहले भी देख चुके हैं? पहली बार सही में। इस बार योगी जी आएंगे पक्का 100%। अभी फाइनली हमारे प्रधानमंत्री आ चुके हैं और हमें अपने कुछ दोस्त भी मिल गए हैं। पता नहीं मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी रैली है। 2 किलोमीटर तक सिर्फ लोग, 8 किलोमीटर की रैली है, लेकिन 2 किलोमीटर तक सिर्फ लोग हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई फेस्टिवल है। तो मतलब अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंभीर भीड़ है। मतलब 6-7 हज़ार लोग हमें लगता है रोड पे आ गए हैं आज। मुझे तो लगता है मतलब पूरा बनारस ही यहाँ पे आ गया है।
मुझे भी एक अच्छा स्पॉट मिला जहाँ से मैं एक अच्छी क्लिप ले सकूँ, तो वही कर रहे थे। अभी देखो क्या सीन है, पूरा जमघट मतलब आगे जा रहा है। अभी जरा भीड़ दिखाइए हमारे पीछे भीड़। हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब हम लोग चलते हैं आगे और थोड़ा भीड़ में भी बात बात करते हैं, क्या लोगों का माहौल और कितना खुश हैं लोग। चलो भैया भैया नेताजी, इस बार क्या कैसा माहौल है इस बार? अरे माहौल की तरह बस योगी ही योगी, योगी ही योगी। कितने सीट से? अरे 360 360 रहेगी, आप निश्चिंत रहें। अखिलेश जी पर दावा कर रहे हैं आने का। अखिलेश जी हवा हो गए, साइकिल पंचर बोल गया, टायर बड़ाम। क्या भैया मोदी भक्त हैं क्या आप भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जय जय श्री राम, हर हर मोदी। एक नंबर, पूरा भगवा पहने हुए। कैसा है इधर विकास? विकास कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, नहीं नहीं चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो बेटा। अभी तो तुम्हारा उम्र ही नहीं हुआ वोट देने का, तुम कहाँ घूम रहे हो? मोदी जी के सरकार में हम लोग को दीवाना कर दिया है। जय श्री राम। कैसे कैसे दीवाना कर दिया है? ऐसी ये बनेंगे असली नेता, लग रहा है तुम मोदी जी को रिप्लेस करोगे अब। मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है कृष्णा पांडे, इसका नाम है लव पांडे। अच्छा मोदी जी क्या है? मोदी जी हम लोग के भगवान समान है। अच्छा भगवान है, हमारे बनारस की शान है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बताइए भैया। बहुत बढ़िया, आप लोग बताइए क्या मोदी जी से प्रसन्न है उनके कार्य से? एकदम एकदम, हमारे देवी देवता हमारा राजा है। अखिलेश यादव जी, अरे भैया अखिलेश यादव जी को खोलिए, हमारा को नेता, हम उनको मानेंगे कि साइकिल पंचर हो गई भाई साहब, साइकिल पंचर हो गई। खाली समय बर्बाद कर रहे हैं अखिलेश जी, कुछ मिलेगा नहीं आप बना रहे। इतने लोग यहाँ भीड़ में आए होंगे, सीट नहीं जीत पाएगा कोई, समय बर्बाद कर रहे हैं, आराम कर रहे। योगी का डंका चल रहा है, माननीय मोदी जी हमारे देश के लिए एक वरदान है। एक एक करके माननीय मोदी जी हमारे देश के लिए एक वरदान है, हमें उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। मोदी जी जो है और योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किए हैं, और अगर योगी जी आते हैं तो उत्तर प्रदेश जो विकास की राह पकड़ लेगा। अगर योगी जी को आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश फिर 70 साल पीछे चल जाएगा। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है, योगी जी को सपोर्ट करिए। नारा लगाइए, साथ करिए। योगी जी को आगे आइए, आगे आइए भैया। भैया कैसे, मोदी जी आएंगे इस बार? हाँ मोदी जी आएंगे। प्रसन्न है कि नहीं? हाँ बहुत। सर सर बताइए, तो ऐसा नहीं ना कि रैली में झूठ बोल रहे जाके बटन कहीं और दबा देगा? ऐसा बात नहीं, हम लोग बहुत दिन से भाजपा में हैं। अच्छा आपके एरिया के विधायक का क्या नाम है? सौरभ भैया। अच्छा कैंट विधानसभा, बढ़िया बढ़िया। चाचा प्रसन्न है चाचा आप मोदी जी से? ठीक है सही में ना? हाँ सही में। क्या क्या काम किया आप लोग के लिए? अरे सब लोग किया, रोड है, राशन पानी है, अब क्या चाहिए आप लोग के लिए? क्या क्या अच्छा किया है? और सब हमारे मोहल्ले में सब बहुत फर्स्ट क्लास है। कौन कौन से एरिया में रहते हैं? हम लोग बजटिया रहते हैं। बजटिया? हाँ सुंदरपुर एरिया में। अच्छा शुभ नाम क्या है आपका? शुएब कासमी। तो भैया एक बात बताइए, आप बीजेपी से प्रसन्न हैं? जी बिल्कुल प्रसन्न है, और उत्तर प्रदेश की सारी आवाम प्रसन्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल जो राज हुआ है वो बगैर पक्षपात के हुआ है। कुंडा एलिमेंट, चोर उचक्के डकैत का पलायन यहाँ से हुआ है, जो अच्छे लोग हैं उनको यहाँ पर आराम मिला है। इसलिए उत्तर प्रदेश का हिंदू हो या मुसलमान, जो शरीफ है वो योगी जी को लाना चाहता है, जो गुंडा एलिमेंट है वो दोबारा आने की तैयारी करना चाहता है। इन गुंडों के पीछे अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस की जो खड़ी है वो चाहती है कि यूपी दोबारा गंदा हो जाए और यहाँ पर जो है दोबारा भ्रष्टाचार का राज हो। इसलिए मुसलमानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 10 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो मैं महसूस ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, उसमें मुसलमानों का भी बड़ा योगदान है। नहीं बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वो पक्षपात करते हैं, फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ है कि नहीं? सही नहीं, सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास के मंत्र पर देश के अंदर प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी की सरकार ने विकास कार्य करने का काम किया। क्या अच्छा किया मोदी जी ने? देखिए सबसे बड़ा काम तो ये किया कि मुलायम ने, माया ने हर शहर में गुंडा पैदा कर दिया था, अपने ही समाज के लोगों को लूटता था, बर्बाद करता था, थाने में जाकर दलाली करवाता था, उनको उत्तर प्रदेश से भगा दिया या जेल में भेज दिया। इसलिए यूपी की आवाम बहुत मुतमईन है और योगी जी की दोबारा आशा करती है, दुआ करती है कि योगी जी दोबारा आ जाए। मतलब अभी एक नंबर अपना पूरा हो रहा, ये लग रहा है कि
अबे कुछ तो लाखों लोग आए होंगे भाई, अभी तक रैली चली रही है। 2 लाख तो मेरा एस्टिमेट है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा बनारस आज रोड पे आ गया है। गजब लिटरली, मतलब नेक्स्ट लेवल सेलिब्रेशन है ये। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये होली के पहले महाहोली हो गई है। ये मोदी जी का क्रेज है ये बनारस में, और यहाँ के सांसद भी हैं वो। अभी देखो आगे, मतलब खत्म ही नहीं हो रही भाई रैली। 8 किलोमीटर की रैली बोला गई है। हम लोग मतलब अभी भी, मतलब हमको लग रहा है 4-4.5 किलोमीटर चल रही होंगे, लेकिन एकदम नहीं थक रहा, और चिल्ला अलग रहे सबके सब। बाइट आप लोग बाकी देख ही रहे हो क्या हो रहा है, क्या सीन है, बहुत मजा आ रहा है जो भी है। जैसे हम लोग दक्षिणी शहर में नीलकंठ तिवारी जी विधायक हैं। हाँ ठीक है, उनसे प्रसन्न है आप? प्रसन्न नहीं, 80% तो नहीं है। क्यों नीलकंठ तिवारी से प्रसन्न? क्योंकि अभी तक वो अपनी एरिया में घूमे ही नहीं है, उन्होंने कभी किसी चीज की एक मिनट किशन दीक्षित जी तो सपा के हैं। सपा जीतेगा नहीं? जीतेंगे वो, इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि वोट यहाँ पर पड़ेगा नीलकंठ तिवारी के नाम पर नहीं, बीजेपी के नाम पर, योगी के नाम पर, और जो है विकास के नाम पर। बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे, इसलिए जीतेंगे वही। हाँ बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार विकास को देख के वोट दिया जाएगा या जात को? हमारे हिसाब से तो विकास को ही देख करके दिया जाना चाहिए। बाकी है अपने प्रधानमंत्री से और अपने माननीय मुख्यमंत्री से। ये तो देखिए, काशी की जनता यहाँ सड़क पर उतरी हुई है, इतनी भीड़ है यहाँ पे, इसको देख करके आपको महसूस हो जाना चाहिए। बिल्कुल, कम से नहीं तो 2-3 लाख लोग तो आए ही होंगे हम जहाँ से आए हैं। जिस हिसाब की भीड़ है आप खुद ही देख लीजिए कि जनता, काशी की जनता अगर खुश नहीं होती तो आज इतनी भीड़ सड़क पर नहीं दिखाई दे रही होती। बिल्कुल, ये बात तो है। कहीं ना कहीं विकास है तभी ना लोग इतनी सड़क पर हैं, आज सपोर्ट में करते हैं मोदी जी को। आज अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश से तो हम लोगों ने इतने साल देखा, कभी मायावती आती थी, कभी अखिलेश आते थे, लेकिन इधर पिछले 5 सालों में जो काशी में जो कार्य हुए हैं, ये ऐसा कार्य कभी भी हम लोगों को तो कभी नहीं दिखाई दिया। मतलब चमत्कार ही कर दिया, डिफरेंट है। मंदिर से खुश हैं? मंदिर से तो पूरा हिंदुस्तान खुश है। मंदिर की वजह से हम लोग की दुकानदारी चल रही है भैया। इस समय बनारसी साड़ी एकदम ऊपर हो चुकी है। अच्छा, आज 4 महीने से जो दुकानदारी हो रही है ना, कहीं नहीं रही। यात्री आते हैं बनारस में अभी तो सभी चीज़ों का, मतलब टूरिज्म को लेकर के भी, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी व्यापार हैं सब में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। ये चीज़ है, प्रसन्न है, मतलब जनता इसका वोट जा रहा है कमल के बटन को। वही तब नहीं, 100%। अनुमान बताइए कितनी सीट आ सकती है यहाँ से, बनारस से? बनारस की 7 सीट आ रही है। 7 आ रही है, और ऐसे टोटल? टोटल 300 के आसपास। तो एक बात बताइए आंटी लोग, क्या आप लोग प्रसन्न है महिलाओं की सुरक्षा को लेके? मोदी जी ने कुछ किया है? बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है। आप यहाँ खड़ी हैं? बस मोदी जी के चलते ही खड़े हैं, इतनी सुरक्षा है यहाँ। हम लोग का खड़ा होना ही यही साबित करता है कि मोदी जी के उसमें हम लोग कितना, मतलब सिक्योर फील करते हैं। हर आज तक इससे पहले, मोदी के पहले, किसी के राज में हम लोग को घर से अलाउ नहीं था निकलना। आज हम लोग स्वतंत्र हो के यहाँ पे निकल के और इंजॉय कर रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा लगा। कुछ मोदी जी के लिए कुछ गा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, ऐसा कुछ अच्छा जो वो भी कभी दे। काफिला बहुत लंबा है और चलता ही चला जा रहा है, और अभी यहाँ से मतलब हमें लगता है विश्वनाथ मंदिर पे जाके तो दर्शन करेंगे और फिर वहाँ पे एंड होगा। हम लोग बहुत पास में हैं, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पसंद किए होंगे, और जैसा भी है अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा अपनी तरह एंड करते हैं। नमः पार्वती माते। बेटा
आप किसको वोट दोगे? मोदी जी को। क्लास वन में मोदी जी आएंगे? हाँ। मोदी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शुभ मेहरोत्रा। इस बार योगी जी आएंगे? हाँ।